हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग करने वाले हैं पो प्रोफेशनल का ML218B V3। ये एक 3000 वॉट का सबवूफर है जो हॉर्न लोडेड कैबिनेट के साथ आता है। इसमें दो स्पीकर का यूज होता है जो 1500 वॉट के हैं और ये वी शेप में लगे हुए हैं। और इनमें जो स्पीकर का यूज किया गया है वो है BNC के स्पीकर। अगर आप BNC के बारे में नहीं जानते तो BNC है वर्ल्ड लीडिंग स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो स्पीकर्स बनाती है, और इनके स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं। और इन स्पीकर्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो काफी नीट एंड क्लीन होती है और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। और इस वीडियो के लिए हमारे काफी दोस्तों ने रिकमेंड किया था मुझे कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि उनके पास ये प्रोडक्ट है और उसको वो चलाना चाहते हैं, कौन से एम्पलीफायर उनके लिए सही रहेगा। तो ये सारे रिकमेंडेशन वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पो प्रोफेशनल की कोई भी प्रोडक्ट्स की जानकारी चाहिए तो आप रियल साउंड भुवनेश्वर इनके पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये उनका नंबर है और वो पो प्रोफेशनल के ऑथोराइज डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो ओडिशा में अगर आप रहते हैं तो आप उनको कॉल कर सकते हैं या फिर विजिट भी कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स के लिए। और इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट हो, वीडियो को जरूर एक लाइक, शेयर और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है पो प्रोफेशनल ML218B V3 सबवूफर। पो प्रोफेशनल की पैकिंग हमेशा अच्छी रहती है। ट्रांसपोर्ट के दौरान 0% डैमेजेस के चांसेस रहते हैं। पो प्रोफेशनल हमेशा से अपने प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। पैकिंग की बहुत ज़्यादा महत्व होती है, इससे आपका प्रोडक्ट काफ़ी सेफ रहता है। तो चलिए पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये है पोप ML218B V3। ये एक पैसिव सबवूफर है। इसमें आपको दो स्पीकर देखने को मिलते हैं जो 1500 वाट के हैं। टोटल इस डुअल सबवूफर का जो RMS है वो है 3000 वाट। तो आपको इस सबवूफर को चलाने के लिए जो एम्पलीफायर चाहिए वो कम से कम 3000 वाट का सप्लाई देना चाहिए। और इस सबवूफर का जो विड्थ है वो है 4 फीट तक का, और इसका जो हाइट है वो है 22 इंच तक, और इस सबवूफर का जो डेप्थ है वो है 33 इंच तक। तो कैबिनेट की साइज जो है वो बहुत ही अच्छी है। ये एक हॉर्न लोडेड सबवूफर है। इसमें स्पीकर का जो प्लेसमेंट है वो वी शेप में है और इसका बैक साइड का एयर पास भी मिलता है। ये एक V3 मॉडल है। V3 मतलब वर्सन 3, और पोप के जितने भी V2 या फिर V3 सीरीज होते हैं वो BNC के स्पीकर के साथ आते हैं। इस सबवूफर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। इसमें दो 1500 वॉट के स्पीकर यूज किए गए हैं जो BNC के हैं, और इन स्पीकर्स का जो वॉइस कॉल है वो 4 इंच वॉइस कॉल में आते हैं। इस सबवूफर की जो कैबिनेट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, बर्च प्लाई में है, और इस कैबिनेट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही लंबा है। इस सबवूफर की जो ग्रिल है वो हर तरफ से अच्छे से टाइट किया गया है एलिंकी बोल्ट और टाइगर नट के साथ, तो बजने के टाइम में इसके ग्रिल में कोई भी वाइब्रेशन नहीं आएंगी। और इस सबवूफर में जो पेंट का यूज किया गया है वो है साउंड फ्लेक्स, और दूसरी साइड में हमें देखने को मिलता है पो प्रोफेशनल की ब्रांडिंग जो इस ग्रिल के ऊपर लगा हुआ है। दोनों साइड से इसके जो स्पीकर्स हैं वो भी शेप में लगे हुए हैं, और उस स्पीकर का जो बैक साइड एयर पास है वो घूम के फ्रंट की तरफ से निकलता है, और साइड में हमें देखने को मिलती है पोप की ब्रांडिंग जैसे इनके हर स्पीकर कैबिनेट में देखने को मिलता है। और इसकी जो हैंडल है वो काफी अच्छे है, काफी अच्छे से ग्रिप मिलती है इसको उठाने में, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है V3 लिखा हुआ। V3 का मतलब वर्सन 3, और पोप के जितने भी V3 मॉडल्स हैं वो पावर्ड बाई BNC स्पीकर होते हैं, और जितने भी BNC के स्पीकर होते हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा होता है। आप इनको DJ में या फिर लाइव साउंड में दोनों में यूज कर सकते हैं। इन स्पीकर का फ्रिक्वेंसी रेंज बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए हम इसको एक बार बैक साइड से देख लेते हैं, और बैक साइड में हमें देखने को मिलता है पोप की ब्रांडिंग, पोप प्रोफेशनल लिखा हुआ, और इसका मॉडल नंबर ML218B V3, और इस टोटल बॉक्स का जो कंटिन्यूस पावर है वो है 3000 वॉट, प्रोग्राम पावर 6000 वॉट, और पीक पावर 12000 वॉट। और इस सबवूफर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 24 हर्ट्ज से लेके 180 हर्ट्ज तक, और इंपीडेंस 4 ओम्स है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पावर्ड बाय BNC लिखा हुआ, और यहाँ पे इसका सीरियल नंबर, और यहाँ पे दो स्पीक ऑन कनेक्टर फीमेल देखने को मिलते हैं। आप एक को इनपुट के लिए यूज कर सकते हैं और दूसरे को थ्रू के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको टेस्टिंग करके देख लेते हैं ये किस तरह का हमें रिस्पॉन्स दे देता है। इस सबवूफर को हम एक 7202 के साथ चलाने वाले हैं। क्या आप कन्फ्यूज हो रहे हैं?
कि 7202 के साथ ये कैसे चल सकता है जबकि ये 3000 वाट का है। तो हम इसको ब्रिज मोनो मोड पे चलाने वाले हैं जिससे हमें 2600 वाट का आउटपुट मिल जाएगा, वो भी 1400 तक का डंपिंग फैक्टर के साथ। अगर आप चाहते हैं मैं ब्रिज मोनो मोड कनेक्शन विथ टेस्टिंग के साथ एक वीडियो लाऊं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं जल्द ही कोशिश करता हूं उसका एक टेस्टिंग वीडियो आपके लिए जल्दी ला पाऊं। तो दोस्तों ये था पो प्रोफेशनल ML218B V3। ये एक हॉन लोडेड सबवूफर है जो पावर्ड बाय BNC स्पीकर्स हैं और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसमें 3000 वाट का RMS है एट 4 ओम्स। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं कोई भी एम्प से, अभी तक कंपनी की तरफ से इसके लिए कोई प्रॉपर एम्प तो नहीं निकला है जो एक चैनल पे इसको सही में चलाए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इसको चाहें तो 8200 पे चला सकते हैं क्योंकि उसका डंपिंग अच्छा है और वो इसको चला लेता है बिना क्लिपिंग के साथ। अगर आप प्रॉपर वे में जाना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको 7200 एट ब्रिज मोनोमूट। आप इसको MA7200 में ब्रिज मोनोमूट पे यूज कर सकते हैं एट 4 ओम्स, तो वो उसके लिए सही मैचिंग रहेगा और डंपिंग भी उसमें 2000 का मिल जाएगी ब्रिज मोनोमूट पे। हमने इस स्पीकर कैबिनेट को टेस्टिंग किया ब्रिज मोनोमूट पे जो 7200 के साथ था, जो 2600 वाट का आउटपुट देता है एट 4 ओम्स ब्रिज मोनोमूट, तो उसके साथ भी ये काफी अच्छा रिस्पांस दिया। 1400 तक का डंपिंग एट 4 ओम्स बहुत अच्छा होता है जिसमें 700-700 का डंपिंग मिलता है हर स्पीकर को, तो बेस के लिए उतना डंपिंग भी सही है। और ये जो सबवूफर है आप इसको लाइव या फिर DJ में दोनों में यूज कर सकते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत अच्छा है और ये दोनों केसेस में बहुत अच्छा रिस्पांस आपको दे देगा। और इस सबवूफर की जो प्राइसिंग है वो आपको पेयर मतलब दो पीस आपको 1,48,000 से लेके 1,50,000 तक गिर सकती है। इस बजट में BNC के स्पीकर के साथ ये काफी एक अच्छा ऑफर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप ब्रिज मोनो मोड कनेक्शन विथ टेस्टिंग का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें और मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके वो वाला वीडियो आपके लिए लेके आऊं, ताकि आपको भी इजी रहे कि अगर आपके पास बहुत पावरफुल स्पीकर्स हैं लेकिन आपके पास उसको चलाने के लिए एम्प नहीं है तो आप ब्रिज मोनो मोड में कैसे उसको भी चला सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस में इतना ही। इस वीडियो को जरूर एक लाइक शेयर और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे वीडियो लेके आते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।